एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है स्टेप बाय स्टेप एचडी ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल, जिसे मैं स्टार्ट करूंगी फेस को क्लीन करते हुए। फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेकअप करते हैं उससे पहले आप वेट टिश्यू से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर टोनर स्प्रे कर रही हूँ। टोनर स्प्रे करने के बाद मैं लूँगी पॉन्स की जेल मॉइस्चराइज़र, जिसे मैं अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी। गर्मी हो या ठंडा, आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करना है फेस को हाइड्रेशन देने के लिए। इस तरह से अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद पूरे फेस में, नेक में भी आपको मॉइस्चराइज़र, कानों में भी मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। उसके बाद जो है मैं प्राइमर का यूज़ करूँगी, उसे भी अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट, जिससे मैं इनकी स्किन टोन से 2 टोन डार्क या फिर 1 टोन डार्क कंसीलर अप्लाई कर दूँगी पूरे फेस में। अच्छे से जहाँ जहाँ आपकी टैनिंग है या फिर कोई भी पिगमेंटेशन है, हर चीज़ को हाइड करने के लिए हम डार्क टोन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर दूँगी। हमेशा आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे और डैबिंग मोशन में हमें यूज़ करना है। मैं लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ PSC की SD फाउंडेशन इन द शेड 1.6। अब एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई करूंगी फेस पे। पहले मैं हाफ फेस पे अप्लाई कर लूंगी, उसके बाद मैं फिर से हाफ फेस पे अप्लाई करूंगी और फिर उसे ब्लेंड कर दूंगी। इस तरह से अच्छे से आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है और फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपको उसे डैबिंग मोशन में, फ्रेंड्स ड्रैगिंग कभी नहीं करना, हमें हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को डैबिंग मोशन में ही यूज़ करना है, नहीं तो आपकी फाउंडेशन जो भी आप लगाओगे वो सब बाहर आ जाएगी, हट जाएगी उस जगह से। इस तरह से मैं फिर से हाफ फेस पे अप्लाई करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देने के बाद मैं यहाँ पे नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नेक पे भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक पे, कानों पे, आपको जो जो खुली जगह है हर जगह आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ लाइट शेड की कंसीलर, जिसे आप हमेशा हाईलाइटिंग करोगे लाइट शेड की कंसीलर से ही, इसलिए मैं लाइट शेड की कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एज अ हाईलाइटिंग शेड। और ये सब हमारी हाईलाइटिंग जोन होती है जिसे हम हाईलाइट करते हैं। इस तरह से कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं उसे फिर से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से पूरे स्किन पे ब्लेंड कर दूंगी। और इस तरह से ब्लेंड करने के बाद में अब मैं फेस को कंटूर कर रही हूँ डार्क शेड की कंसीलर से। जब भी हम कंटूर करते हैं हमेशा डार्क शेड लेना होता है हमें, और इस तरह से हम कंटूर करते हैं। कंटूर करने से आपकी फेस की फीचर्स जो है वो ज़्यादा उभर की आती है, आपकी फेस जो ब्रॉड है वो शार्प दिखती है। तो इस तरह से हम कंटूर कर लेंगे। हमारे जॉ लाइन पे भी करना है, चिक पे भी करना है, फिर नोज़ पे भी हमें कंटूर कर लेना है। अब किसी ब्रश की मदद से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंटूर जो हमने किया है उसे मैं ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की लूज़ पाउडर, जिससे मैं कंसीलर और फाउंडेशन की एप्लीकेशन जो हुई है वो हर जगह को मैं सेट कर रही हूँ। पूरे फेस को अच्छे से आपको सेट कर लेना है पाउडर की मदद से। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रश की भी यूज़ कर सकते हैं फेस को सेट करने के लिए, या फिर आप किसी कॉम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं सुगर कॉस्मेटिक्स की ब्राउनर ले रही हूँ और उससे फेस को अच्छे से, जहाँ पे क्रीम कंटूर मैंने किया है उस जगह को ये पाउडर से लॉक कर रही हूँ, जिससे आपके फेस को एक साफनेस भी मिलेगी, एक डिफाइंड शेप मिलेगा और फिर बहुत ही अच्छी आपकी कंटूर दिखेगी। फेस पूरी साफ दिखती है, कंटूर करने से आपकी फेस में जो भी ब्रॉडनेस है वो पूरी हाइड हो जाती है। उसके बाद थोड़ी सी हम नोज़ को भी कंट्रोल कर लेंगे और फिर अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। सारे सेट को मिक्स करके मैं यहाँ पे ब्लश की एप्लीकेशन कर रही हूँ। उसके बाद मैं हाइलाइटर का यूज़ करूँगी और इस तरह से मैं अच्छे से
फेस पे जो भी हमारे हाइलाइटिंग जोन्स है यानी कि हमारे चेक बोन और फिर नोज ब्रीज, लिप्स के ऊपर नीचे और फोरहेड, इन जगहों को हम हाईलाइट करते हैं जिससे हमारी फेस में बहुत ही अच्छी शाइन दिखती है। अब मैं आईज मेकअप स्टार्ट करूंगी, इसलिए नीचे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ जिससे हमारी जो भी फॉल आउट्स होंगे वो आसानी से डस्ट अप हो सके। अब मैं लाइट सेट की कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पे और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी। कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद मैं ऑरेंज सेट अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन और क्रीज लाइन से ऊपर। एक फ्लपी ब्रश की मदद से आपको ऑरेंज सेट की एप्लीकेशन कर लेनी है और एज यूजुअल मैं हमेशा बोलती हूँ धीरे धीरे आपको पिगमेंट लेना है और धीरे धीरे ही अप्लाई करना है। मैं धीरे धीरे सेट पिक करते जा रही हूँ और फिर एप्लीकेशन करते जा रही हूँ। इसके बाद मैं लूंगी ये मैरोनी सेट जिसे मैं अप्लाई करूंगी आउटर कॉर्नर पे। इस तरह से धीरे धीरे पिगमेंट लेते जाना है, फिर उसे हमें इंटेंस करना है और इस तरह से राउंड राउंड करके मैं इनर कॉर्नर की तरफ भी उसे अप्लाई कर दूंगी। धीरे धीरे जैसे आप शेड लेंगे और वो कलर आपकी जो एप्लीकेशन हो रही है वो इंटेंस हो जाएगी। आप एक ही बार शेड को अप्लाई नहीं कीजिए, इस तरह से आप धीरे धीरे शैडो पिक कीजिए और धीरे धीरे ही एप्लीकेशन कीजिए। अब मैं ले रही हूँ NYX की कंसीलर जिससे मैं क्रीज को कट करूंगी। इस तरह से आप एक फ्लैट ब्रश की मदद से क्रीज को कट कर लेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि किस तरह से हम हाफ कट क्रीज करते हैं तो प्लीज़ आप उसे भी चेक कर लेना किस तरह से हम क्रीज बनाते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे गोल्डन सेड अप्लाई कर रही हूँ, सिमर सेड। इस तरह से फ्लैट ब्रश से सिमट सेड अप्लाई करने के बाद में कॉर्नर पे सेम जो मैरोनिस कलर मैंने पहले यूज़ किया था उसी को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और आपको वो सेड को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपकी ब्लेंडिंग जो है बहुत ही प्रॉपर दिखे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर की ग्लिटर्स और फिर मैं लैसेस एप्लीकेशन कर दूंगी। इसके बाद मैं मैबलिन की जेल लाइनर यूज़ करूंगी, इससे मैं पतली से लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और नीचे भी लाइनर अप्लाई करने के बाद मैं उसे स्मज कर दूंगी। अब मैं ले रही हूँ PSA की आईब्रो पोमेड जिससे मैं आईब्रो को डिफाइन कर लूंगी। एक स्पूली ब्रश की मदद से, एक एंगल ब्रश की मदद से आपको आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर लेना है। और आईब्रो डिफाइन करते समय हमें हमेशा कॉर्नर पे जो है फ्रंट कॉर्नर पे हमेशा लाइट सेट करना होता है, लाइट रखना होता है और बीच में इंटेंस और नीचे की और भी थोड़ी सी डार्क, इस तरह से हम रख देंगे। और फिर जो है मैं आईब्रो बोन और इनर कॉर्नर को इस तरह से हाईलाइट कर रही हूँ सेम ग्लिटर सेट से। जो सिमर सेट मैंने यूज़ किया गोल्डन, उसी से मैं अपने आईब्रोज को भी और कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैंने जेल लाइनर जो अप्लाई किया उसे लॉक कर दूंगी लिक्विड लाइनर से। सिमिलरली मैं नेक्स्ट आईज को भी कंप्लीट कर लूंगी। और आप देख सकते हैं आई शैडो की ब्लेंडिंग कितनी प्रॉपर हुई है। बिंदी अप्लाई करने के बाद ज्वेलरी अप्लाई कर दूंगी और फिर हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद ये रही हमारी कंप्लीट लुक।
तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बोलूँगी नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और लाइक बटन को भी प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज विथ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।